आप सबको मेरा नमस्कार। आज 8 मई से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां करनाल जिले के संबंध में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। चूंकि करनाल में अभी स्थिति नियंत्रण में है और जो कोविड महामारी है उसका फैलाव ज़्यादा नहीं है और मेनली जो केसेस आए हैं वो सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री वाले आए हैं, तो प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए कुछ और व्यवस्थाएं बनाई हैं, कुछ और इंतजाम किए हैं। उन व्यवस्थाओं की जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो कल से हमारे जितने भी मिठाई की दुकानें हैं यानी स्वीट शॉप्स हैं और बेकरी की दुकानें हैं वो 8 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी और अपने दुकान पे वो अपनी मिठाइयों का या बेकरी का सेल कर सकते हैं, उनकी बिक्री कर सकते हैं। अगर दोपहर में 2 बजे के बाद उनको अपना कोई सामान बेचना है तो वो फिर सिर्फ ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं जैसे जोमेटो है, स्विगी है, नीड ऑन व्हील्स है, उनके जरिए ही अपना सामान बेच पाएंगे। इसी प्रकार से जितने भी हमारे जिले में रेस्टोरेंट्स हैं वो भी ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशंस के जरिए यानी जोमेटो, स्विगी, नीड ऑन व्हील्स, इनके जरिए अपना जो खाना है वो शाम को 9 बजे तक लोगों को होम डिलीवरी कर सकते हैं। कोई भी रेस्टोरेंट, ढाबा या और कोई भी दुकान जो है वो अपने एरिया में या अपनी दुकान पे या अपने रेस्टोरेंट में खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी जो डाइन इन सर्विसेज हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, सिर्फ टेक अवे होम डिलीवरी सर्विसेज ही अलाउड हैं। अगर कोई भी रेस्टोरेंट, होटल वगैरह अपने रेस्टोरेंट के अंदर या होटल के अंदर खाने की व्यवस्था या खाने की सर्विस प्रोवाइड करवाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो हमारी इटरीज हैं जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है या इवन हलवाई की दुकानें हैं या बेकरी शॉप्स हैं, ये सारी चूंकि इसेंशियल और पेरिशेबल चीज़ें बेचेंगे तो इसलिए ये इन पे ओड इवन का नियम लागू नहीं होगा और ये हफ्ते के सातों दिन कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी मार्केट में जो बाकी दुकानें हैं, चाहे वो कपड़ों की हों, चाहे वो किराने की दुकानें हों, वो संडे को भी खुली रह सकती हैं और जिस दिन संडे आएगा, उदाहरण के तौर पे ये संडे 10 मई को पड़ेगा, तो जो इवन नंबर वाली दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। जो हमारी ईटरीज हैं, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उन सबको हमने हिदायतें दी हैं कि जब वो खाने की होम डिलीवरी करेंगे तो सब सारी की सारी जो कोविड संबंधित गाइडलाइंस हैं उनका पालन करेंगे। जो भी मटेरियल ये बनाएंगे वो ताज़ा मटेरियल होगा, कोई भी बासी मटेरियल सर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितने भी इनके लोग कुकिंग प्रोसेस में लगेंगे उनके पास मास्क होंगे, ग्लव्स होंगे, सैनिटाइजर्स होंगे। जो हमारे होम डिलीवरी वाले बॉयज़ हैं, जो ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी जो एप्लीकेशंस हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके थ्रू सर्विसेज दी देंगे, उन सबका प्रशासन समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाएगा और उनको मास्क, सैनिटाइजर्स और ग्लव्स वगैरह मुहैया करवाए जाएंगे। तो मेरी सभी करनाल वासियों से यही अपील रहेगी कि चूंकि प्रशासन ने लगभग हर एक चीज, चाहे वो किराने का सामान हो, चाहे सब्जी हो, फल हो, मिठाइयां हो, खाना हो, हर एक चीज आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल करवा दी है, तो आप अपने घरों से 2 बजे बाद बिल्कुल बाहर ना निकलें और संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करें। हर एक चीज आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है। मुझे विश्वास है कि आपका इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा तो हम इस महामारी से अच्छे से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। जय हिंद।